जाने में ये पटरी पार करना पड़ता है, हॉस्पिटल जाने में। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, तो स्वागत दोस्तों आप सभी को एक नए ब्लॉग में। कैसे आप लोग आशा करते हैं, आप लोग स्वस्थ हैं यार, और मस्त, और हमारे परिवार की तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और देखिए सभी लोग सो रहे हैं, अभी कोई सो ही नहीं रहे हैं, और मेरे बेबी भी सो नहीं रही दोस्तों, देखिए जागी हुई बदमाश है, सोने बोले नहीं सो रही है, अपनी मासी के साथ सोई हुई है। जल्दी सो, मोबाइल देख रही क्योंकि अभी ठंडा है ना दोस्तों, इधर आज थोड़ा ठंडा कर, आज मतलब बदली टाइप में मौसम किया हुआ है, आज निकला नहीं है, करीब 8:30 बज गया फिर भी। तो चलिए दोस्तों अभी हम खाना बना रहे हैं, और क्या क्या बना रहे हैं आप सभी को दिखाते हैं। तो दोस्तों हम खाना बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, चावल चल रहे हैं, और क्या बनेगा, और और दोस्तों आपने मछली वाले रेसिपी में भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए थे दोस्तों, हमें ढेर सारा प्यार भी दिए, आप लोग को शुक्रिया। और दोस्तों देख सकते हैं अभी चूल्हे में, और जो जो नॉनवेज नहीं खाते दोस्तों उनके लिए सॉरी दोस्तों, और जो हम उनके लिए जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए अलग से कुछ शाकाहारी रेसिपी लेके आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अभी हम पकौड़ी मतलब झोर बनाएंगे कड़ी, तो इसके लिए प्याज मिर्चा आदि लहसुन ये इसके पकौड़ी बनाएंगे, क्योंकि घर में कोई बंदा कोई भी है नहीं जिससे कड़ी कड़ी या चावल बनेगा आज, कड़ी चावल बनेगा। तो चलिए ढालकर, चलिए दोस्तों और कड़ी चावल बने बने, हाँ, और उसके बाद जाके कड़ी बनाते, और कहीं जाना भी है आज हम हमको दोस्तों, हाँ तो इसीलिए जल्दी, हाँ बस खाना वाना खा के नहा धो के खाना बनाओ, और तो आप सभी को देखने के लिए सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों कि कहाँ जाने वाले। तो दोस्तों फाइनली हमारा चावल तो हो गया, और देख सकते इधर हम पकौड़ी छान छान के रख दे रहे हैं, हरा चना ये और थोड़ा सा और बचा है, झोर लगाएंगे इसी का, फुलौड़ी का और कड़ी, फुलौड़ी कड़ी झोर, बेसन का झोर मतलब इसी से झोर लगाएंगे। इधर देखिए मेरे आदित्य बाबू क्या खा रहा है बेटा, पकौड़ी, पकौड़ी खा रहा है, चाचू लोग को दे दो पहले, चलिए खा लिए चाचू लोग, नमस्ते कर दो, नमस्ते। चलिए दोस्तों बना लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, हॉस्पिटल किस लिए जा रहे हैं दोस्तों, मतलब आती है ना उसका जन्म तिथि, मोहर नहीं लगा हुआ, मोहर लगवाने के लिए जा रहे हैं, और जिसको सुई भी नहीं पड़ा है तो सोच रहे सुई भी दिला, 1.5 महीना का, 2.5 महीना का सुई कोई भी नहीं पड़ा, अभी सुई बचा हुआ है इसका 3-4, क्योंकि बीमार हो गया था ना तो इसके हॉस्पिटल में भर्ती था इसलिए दिला नहीं पाए, तो अब इसको सुई पड़ेगा दोस्तों, तभी चलते पहले सुई मतलब हॉस्पिटल चलते देखते, दोनों काम हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो भी सही है, तो चलते चलते दोस्तों चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम देखिए रेलवे पटरी के पास आ गए हैं, हॉस्पिटल जाने में ये पटरी पार करना पड़ता है, हॉस्पिटल जाने में ले लाइन पटरी पार करके ही पहुँचते हैं, तो चलिए आराम से आना, आराम ही, ज़्यादा रास्ता खराब, उधर से उधर से। तो चलिए दोस्तों ब्लॉक पे बने रहे, जल्दी से हम पार रहते हैं क्योंकि ट्रेन आ जाएगा फिर तो अड़ंगा हो जाएगा ना, हाँ इसलिए पहले चलते हैं दोस्तों। देखिए सामने ट्रेन आ गया ना निशा जी, और निशा जी देखिए यहाँ बैठी हुई है, इधर ट्रेन आ गया दोस्तों, रास्ते अभी हम पार हो रहे थे ना तो आ गया ट्रेन ना, पहले से ही लगा हुआ देख सकते हैं दोस्तों, जा रहा है ट्रेन दोस्तों, अब हमारा रास्ता साफ हो गया, चले हाँ चलिए धीरे धीरे चलिएगा, तो देख सकते हैं दोस्तों चलते हैं पटरी के पास। तो देखिए चलते चलते थक गई निशा जी ना, तो बहुत ज्यादा थक गए, बच्चा को भी गोदी में लिया, बस ये ना चढ़ाओ रास्ता भी है, और इधर सुंदर नजारा है दोस्तों, पेड़ पौधा का हरियाली है, बहुत ज्यादा थक गए, चलिए दोस्तों और बाकी यार इनको बोले टेम्पो से चले, टेबल नहीं 10 रुपया थोड़ा दूर है, 1 किलोमीटर भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए निशा लगी हुई है लाइन में, वहीं से लगेगा सुई टीकाकरण का,
मीठा लगेगा, मीठा 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 लगेगा। हाँ हाँ बड़े भतीजा ना, क्यों ये तो बिना बता रहे थे। और ज़्यादा दर्द करेगा, बुखार भी आ रहा था। अच्छा लगेगा ना, अभी अब पड़ेगा तब ना। दोनों पड़ जाएगा, आधा महीने का, डेढ़ महीना का, आज ही क्या बोल रहा है, आज ही पड़ जाएगा दोनों। पांडे वो भी पल पहले मेरा ही था। और पड़ेगा तीन सौ ही पड़ेगा। देखिए इसको सुई पड़ गया ना, तीन ठो दे दिया आज। हाँ तीन ठो दिया ना, कितना मुंह फुला फुला रो रही है देखो। सुई दे दी, सुई दे दी, दोनों ही जान जांग में और हाथ में, दो को जांग में दिया ना। दोस्तों देखिए बाबू को सुई पड़ गया दोस्तों, अब इसको बुखार भी आ जाएगा रात को, हो सकता है ना है तो बढ़िया है ना। तो दोस्तों फाइनली हमने दिखा लिए डॉक्टर से और अब हम चलते हैं घर, यहाँ से तो निकल गए। और एक तो दवाई भी तो लेना है बाबू के लिए, मतलब बाबू को जो तीन तीन सुई पड़ा उसका दवाई लिखे हैं, तो वही दवाई वाई लेंगे। उसके बाद जाके बाहर से मतलब दवाई है तो बाहर से दवाई खरीदेंगे। देखिए बाबू को दोस्तों सो गई है आराम से, दर्द करता है रात भर में लगता है बुखार। चलिए अब हम यहाँ से भी हॉस्पिटल का देख सकते हैं, मेन गेट से बाहर निकल गए हैं और मतलब फूफा भी आए थे इनसे मिलने के लिए, मिलने के लिए आ गए दोस्तों, बहुत दिन हो गया था ना। अरे हम लोग अब यहाँ से कुछ दिन में चल भी जाएंगे, इसीलिए फूफा आए थे मिलने के लिए। तो अब हम लोग घर जाएंगे और अभी तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बाबू का दवाई भी लेना है और रास्ते भर अभी। और यहाँ का कुछ नज़ारा ही बहुत मस्त है, पार्क टाइप में ना साइड साइड से बना, सफाई नहीं रहेगा दोस्तों तो फिर बीमार लोग ठीक कैसे होंगे। साफ सफाई तो हॉस्पिटल में लगा ही रहता है। तो चलिए पहले चलते हैं, निकलते हैं हॉस्पिटल से बाहर। हाँ। तो फिर जाके आपसे मेडिकल से दवाई भी लेना दोस्तों। हाँ। बाबू के लिए है ना। हाँ तो चलिए लेते हैं दवाई, पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि पैदल आए तो पैदल चल भी जाएंगे। जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि गाड़ी से जाने से पैसा लग जाता है ना। पैसा बचाओ तो पैदल थोड़ा बहुत पैदल चलना भी चाहिए इंसान को। घर पे वैसे भी मतलब घर में रहते हैं तो उतना चलते नहीं है पैदल ना, इंसान को पैदल भी चलना चाहिए थोड़ा बहुत, शरीर के लिए अच्छी बात है। हाँ हाँ तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं फूफा जी चले गए अपने घर पे। हाँ। और हम लोग आ गए यहाँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ ट्रेन की पटरी में फिर से आ गए हम लोग। चलिए जी अभी ट्रेन तो नहीं आ रहा क्योंकि ट्रेन आ जाए दोस्तों, अभी आने समय भी तो नहीं है मिला, भगवान करे यहाँ से हम लोग आराम से चल भी जाए ना जी। देख रहे हैं दोस्तों दोनों तरफ देख के चलना क्योंकि है ना ट्रेन है, रेल पटरी है दोस्तों, बात है ना। चलिए हम लोग पार हो जाते हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए फाइनली हम आ गए और निशा जी थक गई है, थक गए बहुत ज्यादा, बैठ गई है मम्मी। हाँ
नहीं बेटा पैसा कितना देंगे बताओ, पापा काम नहीं अभी कर रहे हैं, नाना नानी देती है। ये दोस्तों किससे पैसे ही मांगते रहता है। तो दोस्तों अभी तो हम लोग घर पहुँच गए और बाबू का जो दवाई लिखे थे ना वहाँ पर ही, हाँ। वो दवाई भी नहीं मिला ना, हाँ। देखिए दवाई लाने भेजेंगे, बुखार का दिया है ना, और क्या चीज का दवाई है वो, कोई कोई चीज का होगा जिससे बच्चा ना छोटा मतलब हाँ, दर्द ना हो और बुखार भी ना आए, है ना, पर बुखार है ना अच्छी बात है। चलिए दोस्तों इस तरह आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं अंदर पहले फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं। अपना पैर हो रही है पूरा रगड़ रगड़ के धो रही है दोस्तों, देख सकते हैं मैल बैठ गया है, मैल बैठ गया तो पैदल जाने में इतना गंदा होता है, देख सकते हैं दोस्तों। और इधर रिया जी हैं, हमारी साली जी, सबसे छोटी साली यही है दोस्तों, है ना, आते हैं बेटा। हम दोनों धो लिए घोड़ा, बाबू भी रोने लगी, ज्यादा रो रहे। तो चलिए दोस्तों सुई पड़ा तो रात भर पर देख सकते हैं दोस्तों, इधर बाबू भी रो रही है। अरे दे दे ना ना ना, अरे बढ़िया से लो रे, इसको दर्द करता होगा, बढ़िया से लीजिए ना जी, ये हैं बाबू, ना 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 ना, देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि सुई पड़ा ना दोस्तों, तो आज तो दर्द करेगा ही इसको, आज बढ़िया से सो सुलाना पड़ेगा, आज रात भर रोएगी जागेगी नहीं। बाबू हाँ बेटा, और इधर देखिए आदित्य बाबू को कैसा क्या हाल कर लिया है, देखिए 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 गंदा लड़का के, देखिए देखिए वीडियो में नहीं आना चाहता है दोस्तों, एकदम ही नहीं, बहुत हरामी हो गया है, पैसा दिन रात पैसा और बिस्किट और बस कुरकुरे खाने पर रहता है दोस्तों। तेरी मौसी से 5 रुपए तेरा दिया ना, तो बहुत आज ज्यादा रो रही है, झोरा रही है एकदम बहुत ज्यादा, तभी से आई थी 1 घंटा तो ठीक आराम से सोई, हाँ। 1 घंटा सोई और अब सोकर उठी तब से एकदम रो ही रही है, इतना शांत करवा रहे फिर भी अच्छे से शांत नहीं हो रही है, देखिए इसको लेके इस तरह से कर रहे हैं तो जाके आराम से सोई है, उसमें भी बार बार चिकर चिकर के अचानक दर्द करेगा आज और कल रो रही है, और दवाई भी बोला हमें मिला नहीं, खोजे कितना कभी फिर जाते हैं खोज कर, मुआ उस टाइम तो बंद था एक मेडिकल, हाँ। दो मेडिकल क्योंकि 2 बजे 2:30 बजे हम बंद रहता है दोस्तों, 5 बजे के बाद खुलता है, तो चलते हैं दवाई लाने के लिए, हम तो घर से बाबू को लेकर आएंगे शांत करवाते हैं, ठीक है जाता हूँ। देख सकते हैं कि हम आगे मेडिकल से ट्यूब लेकर के महलम है दोस्तों, और चलिए देखते हैं बाबू को कैसा है दोस्तों, कैसा है अभी, ये लो मतलब महलम, तो दोस्तों देखिए महलम आ गया है, और देखिए मेरे बाबू भी मतलब गोदी में सो रही है दोस्तों, क्या है बेटा पार्ले जी है, रो रही है जितना तो 5-10 मिनट रोते ही जा रही है, अंकल को देख सकते हैं दोस्तों, चलिए खा लीजिए अंकल आप खा लीजिए, जहाँ दिया है ना छेदा को मतलब छोड़ करके साइड साइड मतलब बस साइड, हाँ ज्यादा दबाना नहीं, हल्का से ऐसे करना है, ठीक ना, हाथ में उंगली में ले करके दबना मत उसको, नहीं तो खुल जाएगा, ऐसे मतलब खाली ऐसे ऐसे बुखार आने पे वो पेरासिटामोल लगता है, हाँ बुखार आए तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें दोस्तों, और हमारे वीडियो